हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप ठाकरे और आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल worthIAS पर। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सप्तपदी क्या है, जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है बाय द पीएम मोदी, तो वो क्या होता है, इसमें जो 7 मंत्रास है वो क्या है, हमारे आज की जो लॉकडाउन का सिचुएशन है इसमें कैसे वो रिलेट करते हैं, और ओवरऑल सप्तपदी का हमारी हिंदू माइथोलॉजी में क्या मतलब उसका एक प्लेस है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में। तो जो भी स्टूडेंट्स नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे ऐसे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक के पहुँच पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सप्तपदी एक्चुअली है क्या, हम डिटेल में जानेंगे। ये जो है, ये कुछ पिक्चर्स हैं हमारे ओल्ड जो माइथोलॉजी से रिलेटेड। 14 अप्रैल 2020 को जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने सप्तपदी जो है एक प्रोग्राम लॉन्च किया है फाइट अगेंस्ट द COVID-19, मतलब कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। अब फ्रेंड्स, सप्तपदी या 7 मंत्रास भी इसको कहा जाता है, ये क्या है मैं बताऊँगा। यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, हिंदू माइथोलॉजी में ऐसा है कि ओल्ड टाइम पर जब कोई भी एक पैंडमिक आता था, मतलब ओल्ड टाइम में एक ऐसा डिसीज़ आ जाता था जिसकी दवाई प्रेजेंट नहीं रहती थी, या फिर बहुत लोगों की जान चली जाती थी। जैसे आपने सुना होगा चिकन पॉक्स ओल्ड टाइम में जब आता था तो काफ़ी सारे लोगों को मार के चला जाता था, और जो है उसकी मेडिसिन भी नहीं थी। तो ऐसे टाइम पर सप्तपदी जो है ये रूल यूज़ किया जाता था, मतलब ये कुछ ऐसे मंत्रास रहते थे जो माता लक्ष्मी जी और जो हमारे डिफरेंट गॉड्स हैं उनके द्वारा दिए गए थे। इसके अंडर में, इस मंत्रास में कुछ ऐसे राज छुपे थे जिससे कोई पर्सन का ट्रीटमेंट हो, मतलब यहाँ कोई मेडिसिन नहीं थी फ्रेंड्स। यहाँ पर ऐसा था कि आप उस मंत्रास के अकॉर्डिंग टू अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करोगे तो आप उस डिसीज़ से बच पाएंगे। तो हमारे हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग टू आज हमारे पीएम ने ये बहुत एंशियंट मेथड अभी के पीरियड में यूज़ की गई है, जो कि मुझे काफ़ी इफ़ेक्टिव लग रही है। बट इसमें जो वो 7 मंत्रास थे वो अकॉर्डिंग टू द टाइम चेंज हो चुके हैं, मतलब एग्जैक्टली वो मंत्रास यूज़ नहीं किए हमने, वो थोड़े चेंज किए गए हैं जो आज का मॉडर्न वर्ल्ड है उसके अकॉर्डिंग टू। वो मंत्रास क्या होने वाले हैं हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको सप्तपदी का मतलब समझ में आऊँगा। देखते हैं वो मंत्रास क्या है। ओल्ड टाइम में जो है वो मंत्रास डिफरेंट रहते थे, ओवर द पीरियड वो मंत्रास भी चेंज होते हैं, उसके मीनिंग्स भी चेंज होते हैं, देखते हैं। चलो फ्रेंड, नेक्स्ट है इसमें फ्रेंड्स, इसमें हुआ क्या है, अभी लॉकडाउन चल रहा है, गवर्नमेंट ने क्या किया है, लॉकडाउन को स्टेप बाय स्टेप हटाने के लिए और कम करने के लिए 3 जोन्स बनाए, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन। ये लॉकडाउन टोटल थर्ड ऑफ मई 2020 तक के चलने वाला है। इसमें हम लोग इस 7 मंत्र को फॉलो करने वाले हैं, मीन्स 14 अप्रैल टू 3 मई हम लोग मंत्रास फॉलो करेंगे। ये जो 3 जोन्स है, मैं इसको शॉर्ट में समझाता हूँ फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या है। जो एरिया ग्रीन जोन में आएगा वहाँ पर 80% या 70% शॉप्स खुली रहेंगी, मार्केट ऑन रहेगा, और जो वहाँ की लोकल एक्टिविटीज़ है वो चल सकती है। ऑरेंज जोन में फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ पेशेंट रह सकते हैं कोरोना के, तो यहाँ कोई सिटी का सर्टन एरिया जो है वो लॉकडाउन में रहेगा, पूरी सिटी या एरिया पूरा लॉकडाउन नहीं रहेगा, कुछ कुछ एक्टिविटीज़ वहाँ चल सकती हैं। रेड जोन कम्प्लीटली अलर्टेड जोन रहता है फ्रेंड्स, जहाँ पर बहुत सारे केसेस हो सकते हैं कोरोना वायरस के, और वो हॉटस्पॉट भी हो सकता है। तो वहाँ पर क्या होगा कि आपकी सारी एक्टिविटीज़ जो है वो बंद रहेंगी, जैसे अभी तक के जो लॉकडाउन चलता था वहाँ सारे शॉप्स, सारी एक्टिविटीज़, सारे बिजनेसेस बंद थे, वैसा ही रहेगा। तो रेड जोन वहाँ पर अप्लाई किया जाएगा जहाँ बहुत सारे पेशेंट हो, और ये तीनों जोन्स के अकॉर्डिंग टू हमको सप्तपदी के रूल्स यूज़ करना है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, 7 मंत्रास सप्तपदी के हमारे आज के मॉडर्न वर्ल्ड में क्या है। तो फर्स्ट इसमें दिया है कि आपको सीनियर सिटीजन या एल्डर पर्सन की तरफ बहुत ध्यान देना है, क्योंकि कोरोना वायरस जिनका भी इम्यूनिटी वीक होता है, आपने देखा होगा कोई कोई यंग पर्सन की भी जल्दी डेथ हो जाती है अगर उसका इम्यूनिटी वीक हो, या कोई सीनियर सिटीजन हो वो भी क्योर हो जाता है अगर उसका इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। तो ये सारा इम्यूनिटी का खेल है, इसलिए सीनियर सिटीजन जो है उनकी तरफ हमको ज़्यादा ध्यान देना है।
उनको वायरस के एक्सपोजर से बचा के रखना है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स सोशल डिस्टेंसिंग और जो लॉकडाउन के रूल थे ये आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं ताकि जो है हम इसको बहुत ही कम टाइम में कंटेन कर सकें और डिसीज़ को हम हमारे इंडिया से एलिमिनेट कर सकें। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स सिटीज़न जो भी है उनकी इम्यूनिटी बेस्ड गाइडलाइन जो भी आयुष मिनिस्ट्री ने बताए थे आपको वो फॉलो करने हैं। आयुष मिनिस्ट्री ने काफ़ी सारी इनिशिएटिव्स बताए थे जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़े आप स्ट्रॉन्ग फील करो तो वो गाइडलाइंस आपको फॉलो करने हैं। उसके बाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट मंत्र है फ्रेंड्स कि आपको डाउनलोड करना है आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन जो है आपको बहुत सारी गाइडलाइंस हेल्थ टिप्स के बारे में बताएगा साथ में जो भी गवर्नमेंट हेल्थ से रिलेटेड स्टेप्स लेती है वहाँ पर अपडेट की जाएंगी। ये सिर्फ कोरोना तक के लिमिटेड नहीं है फ्रेंड्स ये ओवरऑल हमारी लाइफ टाइम जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं हेल्थ से रिलेटेड हेल्थ सेक्टर में इंडियन जो हमारा फार्मास्यूटिकल सेक्टर है उससे रिलेटेड सारी जानकारी और कॉन्टैक्ट्स देगा इसलिए ये एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फिफ्थ वाला मंत्र है फ्रेंड्स टू प्रोवाइड द शेल्टर एंड फूड टू नीडी पुअर। तो जो भी नीडी पर्सन है जिनके पास खाने के लिए फूड नहीं है शेल्टर नहीं है बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं जैसे हमारे इंडियन माइग्रेंट वर्कर्स और उनको कोई भी और परेशानी रहती है तो आप उनको हेल्प कीजिएगा शेल्टर देने के लिए फूड देने के लिए वाटर और जो भी नेसेसिटी थिंग्स रहती है वो आप प्रोवाइड कीजिएगा। सिक्स्थ मंत्र है कंपैशन टुवर्ड्स द कलीग एंड अवॉइड पेमेंट कट्स एंड जॉब कट्स। तो जो भी पर्सन आपके यहाँ एज अ वर्कर काम करता है तो उसके पेमेंट कट मत कीजिएगा जॉब कट मत कीजिएगा और उसको सर्टन अमाउंट ऑफ सैलरी दीजिएगा। मेरी तरफ से मैं रिकमेंड करूँगा फ्रेंड्स कि अगर वो अभी वर्क नहीं कर रहा है लॉकडाउन में तो आप उसका टोटल सैलरी ना देते हुए उसका कुछ परसेंट दे तो भी उसको बहुत हेल्प होंगी और वो लाइफ टाइम आपको ध्यान में रखेगा कि जो उसका ओनर था वो बहुत अच्छा था करके। तो ऑब्वियसली टफ टाइम में आपने एज अ ह्यूमैनिटी लेवल आपने मतलब हेल्प तो करना ही चाहिए बट अगर आपके जो कलीग्स हैं जिसकी वजह से आपका बिजनेस या जो भी चीज़ है वो ग्रो होती है तो ऑब्वियसली आपने उसको हेल्प करना चाहिए। सेवन्थ एंड द लास्ट मंत्र है फ्रेंड शोविंग रिस्पेक्ट टू हेल्थ प्रोफेशनल सच एज द डॉक्टर नर्सेस एंड सैनिटेशन वर्कर्स। जो भी डॉक्टर्स हैं बहुत सारे वर्कर्स रहते हैं पुलिस रहते हैं जो लॉकडाउन और हमारा जो अभी मिशन है कोरोना को हराने के लिए उसमें जो भी लोग अपना सहयोग दे रहे हैं आपने उनको कोऑपरेट करना चाहिए रिस्पेक्ट करना चाहिए और उनको तकलीफ़ नहीं देना चाहिए मतलब उनको उनका काम करने देना चाहिए। बिकॉज फ्रेंड्स आपने सुना होगा डॉक्टर जो है वो अभी के मॉडर्न वर्ल्ड में भगवान का रूप माना जाता है तो ऑब्वियसली वो हमको बचाने के लिए काम करते हैं तो आपने या हमने उनको मतलब तकलीफ ना देते हुए उनका वर्क करने देना चाहिए और ओवरऑल वो हमारे लिए ही काम करते हैं। तो ये थे सेवन मंत्रास फ्रेंड्स। साथ में हम हमारा आज का इससे रिलेटेड एक डेली करंट अफेयर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो रिलेटेड टू हिस्ट्री है बट हमारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। ग्रेट एपिक महाभारत किसने लिखा बोला है। हमारे पास ऑप्शन है ऋषि वाल्मीकि वेदव्यास कालिदासा एंड कबीरदास। मैं चाहूँगा आप इसको कमेंट बॉक्स में अटेम्प्ट कीजिएगा ताकि आपका जो हिस्टोरिकल जीके का नॉलेज है वो बढ़ सके और आप डेली ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आपका डेली एक कंप्लीट क्वेश्चन जो है वो करेक्ट हो जाएगा एग्ज़ाम्स में। और ओवरऑल अगर आपके 10 क्वेश्चन भी मेरे वीडियो की वजह से करेक्ट हो जाते हैं तो ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन मैं समझूँगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड्स। पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक कीजिएगा। डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में बताइएगा और चैनल सब्सक्राइब करना तो बनता है।